दोस्तों, कई लोगों को आसानी से रोना आ जाता है क्योंकि वे ज्यादा इमोशनल होते हैं। रोना अच्छा भी होता है। कुछ देर रो लेने के बाद आप हल्का महसूस करने लगते हैं। रोना मनुष्य की एक सामान्य क्रिया है जो कई अलग अलग भावनाओं की वजह से ट्रिगर हो जाती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि रोने से हमारे शरीर और दिमाग दोनों को फायदा पहुँचता है। यह फायदे तभी से शुरू हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होते ही पहली बार रोता है। अगर आप रोने से जुड़े फायदों के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों आइए आज रोने के दिलचस्प फायदों के बारे में जानते हैं। नंबर वन, शरीर होता है डिटॉक्स। दोस्तों, आंसू तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रिफ्लेक्स आंसू। रिफ्लेक्स आंसू वे होते हैं जो आंखों में जमी धूल कचरे धुएं को साफ कर देते हैं। दूसरे, लगातार बहने वाले आंसू आपकी आंखों को नमी पहुंचाते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तीसरे, इमोशनल आंसू। इसके भी कई फायदे होते हैं। इमोशनल आंसुओं में तनाव के हार्मोन्स और दूसरे टॉक्सिन होते हैं। रिसर्च में पाया है कि आंसू इन चीजों को आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं और आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है। नंबर टू, खुद को शांत करने में मिलती है मदद। खुद को शांत करने के लिए शायद रो लेना सबसे अच्छा तरीका है। रिसर्च में पाया गया है कि रो लेने से पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो आपके शरीर को आराम और पाचन में मदद करता है। नंबर थ्री, दर्द को कम करता है। लंबे समय तक रोने से ऑक्सीटोसिन और एंडोफ्रिन रिलीज होते हैं। ये फील गुड केमिकल शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर फोर, मूड में सुधार होता है। जब आप रोते हैं तो आप जल्दी जल्दी काफी हवा मुंह के जरिए अंदर ले लेते हैं जिसकी वजह से दिमाग का तापमान कम होने लगता है। जब आपके दिमाग का तापमान ठंडा रहता है तो शरीर भी बेहतर महसूस करता है। इससे मूड बेहतर होता है। नंबर फाइव, भावनाओं को संतुलित करता है। रोना सिर्फ किसी दुख की बात के जवाब में ही नहीं होता। कई बार आप तब भी रो पड़ते हैं जब अत्यंत खुशी, डर या तनाव में हो। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह रोने से भावनात्मक संतुलन बहाल करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए। हालांकि जरूरत से ज्यादा रोना भी ठीक नहीं है और इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें। अगर रोना आपके रोजमर्रा के कामों के बीच में आ रहा है तो यह तनाव का संकेत हो सकता है।